हेलो हेलो। हेलो जानू, कहाँ हो? अरे मैं तो अभी घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी घर पे हूँ। और बताओ सब बढ़िया है? अपना बताओ कैसी हो? अरे क्या करूँ, रोज रोज के किच 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 से तंग आ गई हूँ। क्यों? अरे क्या, छोड़ो ये सब। खैर ये सब बातें छोड़ो। पूजा पूजा डार्लिंग, हाँ कहाँ आओ बस ना, बस, आई किचन में हूँ। अरे सुनो, क्यों क्या हुआ जानू? अरे वही मेरा पति है, बुला रहा मेरे को। सुनो ना, 2 मिनट में मैं उसे शांत करके आती हूँ। जरा उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भेजना मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ वीडियो? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे वही बेड वाला सीन थोड़ा सा भेजो ना बना के, लल्लू को देखते हैं कैसे क्या करता है। तू भी ना। नहीं, मम से नहीं हो पाएगा ये। अरे प्लीज जानू भेज दो ना। पूजा, क्या पूजा, कहाँ चली जाती है? आओ फिर ना आज पी भाई लिए? क्यों पीते हैं आप? जानू, मेरी जिंदगी में तो बस दो ही चीज है, एक क्या? दारू और एक तुम मेरी जान। आओ ना, एक सेकेंड, आ रही हूँ। हाँ एक सेकेंड में प्लीज, आ रही हूँ, जल्दी। आ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए सारा दुनिया से लड़ जाऊंगा, बस मेरे जानो। पूजा कहाँ गई? आओ ना, हाँ आ गई। क्या मेरे हूर की परी, मेरे जाने मन, मेरी जिंदगी। हाँ बंटी, और देखो ना, तुम्हारे व्हाट्सएप पे कुछ भेजी हूँ, दिखा। कहाँ डार्लिंग, कहाँ चले जाती हो? जल्दी आओ। हाँ वो गई थी किचन में लाइट उड ऑफ करने के लिए, और प्यास भी लगी थी। अच्छा, 1 मिनट, वॉशरूम से आती हूँ। ओके जल्दी आना। ठीक है, ओके ओके। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या कर दिया? सर और क्या कोई? कौन है जरा देखो। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कौन? रवि जी घर पे हैं? जी आप कौन? मैं फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। जी बोलिए। रवि जी ने मेरी कंपनी से लोन लिया था, अच्छा, 3 किस्त तो नहीं चुकाया, मैं चौथा किस्त लेने आया हूँ। और उनसे बोल दीजिएगा अगर चौथा किस्त नहीं चुकाते हैं तो मैं कानून का सहारा लूँगा। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे ही घर पे आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। ओके जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वंदना जी चाय पीजिए। देखो मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, पिछले 6 महीने से मेरा किराया बाकी है। पहले किराया चाहिए मुझे, उसके बाद कुछ आगे बात करना। वंदना जी समझने की कोशिश कीजिए,
अरे यार, 6 महीने से तो यही सिलसिला चल रहा है और तुम्हारा वो बेवड़ा पति वो तो कभी सामने ही नहीं आता यार। मैंने तो आज तक तो उसकी शक्ल नहीं देखी है। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनसे बोलूंगी कि वंदना जी आई थी, उनका जल्दी किराया दे दो। अच्छा ठीक है, 2 दिन का टाइम है आप लोग के पास। अगर 2 दिन में किराया नहीं मिला, नहीं तो 3रे दिन मकान खाली कर देना। हेलो। हाँ बंटी। नहीं यार, बहुत परेशान हूँ मैं यार, बहुत टेंशन है। हाँ यार, सुबह मकान मालकिन आई थी। अच्छा, और क्या बोल रही थी? वो बोल के गई है 6 महीने से किराया नहीं मिल पाया है। हाँ हाँ, 6 महीने से किराया नहीं मिल पाया से मकान खाली कर दो आई थी। बोली कि अगर तुम मकान नहीं 3 दिन में खाली करते हो ना, तो मैं सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अरे सारा टेंशन मैं दूर कर दूंगा। बंटी। हाँ बोला। मैं एक चीज़ बहुत मिस करती हूँ यार, वो कॉलेज वाली लाइफ कितनी अच्छी थी। अब क्या कर सकते हैं? चुप रहो। अब तो जो हो गया सो हो गया। तू बहुत बहुत, तू ना कॉलेज में भी मेरे को बहुत सताता था और आज भी। मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया था ना कि वो आई थी, मकान मालकिन आई थी, उसके बाद वो लोन वाला आया था, उसने पैसे ले रखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बंटी। अरे मेरी जाने मन, टेंशन मत लो। ये लो, तुमको जितना ज़रूरत होगा इसमें से निकाल लेना और बाकी मुझे दे दे। कितना तुम मुझसे प्यार करते हो। बहुत, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ। क्या हुआ जानू? कुछ नहीं। और आप इतने परेशान हुए लग रहे हैं? नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि अभी सोए हुए थे और एक बड़ा भयानक सपना देखा और फिर नींद टूट गई, मुझे अब नींद ही नहीं लग रही है। सपना? हाँ जानू, एक बहुत भयानक सपना देखे और उसके बाद नींद टूट गई, फिर नींद ही नहीं लग रहा है। सपना? हाँ। कैसा सपना? वो मैंने देखा कि हमारी और तुम्हारी कोई अश्लील वीडियो शूट कर रहा है मोबाइल से। अश्लील वीडियो? हाँ जानू, समझ में नहीं आ रहा है कौन है वो। फिर आगे क्या हुआ जानू? आगे और भयानक डरावना था।
मैंने देखा कि घर में कोई लड़का आया है, पर उसका चेहरा नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन है। पूरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और आगे क्या हुआ जानू? मैंने देखा कि तुम्हारा कोई मर्डर कर दिया है और तुम्हारे लाश नीचे गिरा पड़ा हुआ है। तब से मुझे अकबकाहट हो गया है पूजा। डार्लिंग मेरे, अकबकाहट हो गया है मुझे। मेरा मर्डर? हाँ पूजा, हाँ डार्लिंग। नहीं जानू, आप घबराइए मत, वो सपना था। आप टेंशन मत लीजिए, सपने में आपने देखा है, लेकिन वो देखो, या तो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला या मेरा जान पहचान वाला आया होगा। पर इतनी रात को? हाँ, हो भी सकता है। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ जाओ, देखो दरवाजा खोलो। छोड़ो जानू, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बैठा, मुझसे बहुत बस मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बहुत नाम है तुम्हारा? क्यों, बंटी नाम है? अरे बंटी नाम ही है ना जी। पूजा से प्यार करते हो तुम, है ना? बोलते क्यों नहीं हो? करते हो ना पूजा से प्यार? जी नहीं, हम लोग एक दोस्त हैं। दोस्त हैं? तो फिर वो हॉट वीडियो? हॉट वीडियो क्या है? और मैं तो लल्लू हूं। अच्छा लगा था लल्लू का वो वीडियो? क्यों पूजा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मेरे विश्वास को तुम विश्वासघात की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम यहां से निकलो, और नहीं तो मेरे हाथों से कुछ आज हो जाएगा। अरे निकल! मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूजा डार्लिंग, मेरी जान, दरवाजा खुला है, उसे बंद कर दो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती दोबारा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।